फुटबॉल इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। स्वास्थ्य विभाग अवैध अस्पताल संचालकों और कोख के कातिलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। यमुना पार स्थित रॉयल अस्पताल के वायरल फोटो बताए जा रहे हैं। टीम की छापेमारी में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन अहम जानकारी जरूर मिली है। बिना पंजीकरण के संचालित ये अस्पताल हो रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील किया। अवैध अस्पताल और कोख के कातिलों पर नजर रखी हुई चार स्वास्थ्य विभाग की टीमें कुछ दिन पहले बीसी अस्पताल के पास गई थी और वहां पर लिंग परीक्षण हो रहा था। रंगे हाथों डॉक्टर्स को पकड़ा गया। लगातार स्वास्थ्य विभाग की चार टीमें निरंतर चारों तरफ निगाह रखे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। और इस समय में जब टीमें चली हैं तो झोला छाप तो नहीं, मैं चाहे तो ये मान लीजिए कि हमारी टीमों के चलने की जानकारी उन्हें प्राप्त हो रही है, तो वो अभी गतिविधियाँ बंद हो चुकी हैं। लेकिन जब भी कोई चीज़ अगर पाई जाती है तुरंत उसको रोका जाता है। अमेठी में अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ महिला किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला। लाठी डंडों से लैस दर्जनों महिला किसानों ने विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया है। जमकर नारेबाजी के घंटे प्रदर्शन के बाद महिला किसानों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। किसान नेत्री रीता सिंह के नेतृत्व में गौरीगंज विद्युत उपकेंद्र पर यह प्रदर्शन किया गया। हम लोग ज्ञापन दिए हैं बिजली विभाग में। इस समय इतनी कटौती हो रही है, इतनी कटौती हो रही है कि जिससे जनता एकदम त्रस्त है। और ये लोग जैसे ही लाइट आती है 10 मिनट के लिए तुरंत ही इनके यहाँ से डाउन हो जाता है। इससे परेशान होकर के अधिशासी अभियंता एसडीओ सबके मोबाइल पे लिख लिख के मोबाइल पे बात करते करते थक गए। आज हम लोग आए हैं, अगर ये सुधार नहीं करते हैं 2-3 दिन में फिर हम लोग बड़ी संख्या में आकर के फिर इनको बताएंगे कि सिट डाउन और लाइट की कटौती का मतलब क्या होता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बस्ती पहुंचे। पूर्व विधायक स्वर्गीय जितेंद्र चौधरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैंसर पीड़ित सपा कार्यकर्ता याकूब के गांव रामपुर पहुंचकर हालचाल जाना। वहीं नूरपुर शर्मा के बयान पर मचे बवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सब जितने लोग खड़े हैं, जो सच्चा हिंदू होगा कभी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी के भगवान या पूजने वाले या पैगंबर के खिलाफ नहीं बोल सकता। साथ ही कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे 10वें की परीक्षा है, 12वें की परीक्षा है, ईडी भी एक परीक्षा है। और ये मान लीजिए आप, ये जो परीक्षा है ये डेमोक्रेसी की परीक्षा है। डेमोक्रेसी में सोचिए ये परीक्षा हो रही है। और इस तरह सरकारें हमेशा करती आई हैं। जो सरकार ताकतवर है, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम मिल जाएं, आपके घर को गिरा देंगे। आज किसी की भी जमीन किसी के नाम पे चढ़ा देंगे। आप एक ऐसो से संबंध अच्छे हो, आप पे कुछ मामला अच्छा हो, मिठाई ठीक दे दें, आप किसी पे मुकदमा लिखवा दीजिए। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन ना कराने के विरोध में गैरसैंण राजधानी अभियान के सदस्यों ने भराड़ी सेन में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया है। साथ ही लोक जागरूकता के माध्यम से सरकार को गैरसैंण राजधानी बनाने की मांग की है। अभियान के युवा संयोजक मदन भंडारी ने कहा कि राजधानी गैरसैंण के बिना पहाड़ों का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक की स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बन जाती। इससे पूर्व सोमवार को अभियान से जुड़े लोगों ने गैरसैंण बाजार में मशाल जुलूस निकालकर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग भी की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बजट पेश किया। सरकारी विभागों में
नव परिवर्तन पर सरकार का फोकस रहा। कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य होगा, बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर भी कार्य होगा, पूंजीगत परियोजनाओं से राज्य का भविष्य सुनहरा होगा। केंद्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे। 1930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास होगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य किया जाएगा। जौनपुर में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन भाजपा चिकित्सा प्राकोष्ठ के द्वारा किया गया। भाजपा नेताओं ने कोरोना काल में जिम्मेदारी निभाने वाले चिकित्सकों और स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर पृथ्वी के भगवान होते हैं। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने लोगों को जीवन बचाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। वहीं बीजेपी की चिकित्सा प्राकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर जेपी दुबे ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के एक दूर के विजन की कड़ी के रूप में है कि चिकित्सकों को जो सम्मान मिल रहा है, समाज के हर वर्ग को, हर चाहे चिकित्सा क्षेत्र में, चाहे विधि के क्षेत्र में, चाहे वो आपके व्यापार के क्षेत्र में, एक आम नागरिक को, एक आम पब्लिक को, समाज की हर कड़ी को सम्मान देना हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का उनकी सोच का एक हिस्सा है, जिसको हम लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या है? आज सीएससी शागंज में चिकित्सा प्रकोष्ठ जौनपुर की तरफ से अपने डॉक्टर जेपी दुबे ने अपने सभी स्वास्थ्यकर्मी जितने भी यहाँ डॉक्टर्स उनको सम्मानित किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर जिले से सभी यहाँ पे अधिकारी उपस्थित थे, उनके संरक्षण में आज ये कार्यक्रम चला है और निश्चित ही सभी डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ नर्स सबको सम्मानित करके बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। भारत सरकार ने हर उनको सम्मान करने का मौका दिया है जिन लोगों ने कोरोना में अपना समय दिया, जिन्होंने अपना तन मन दे दिया। लक्सर के सुल्तानपुर पुलिस चौकी को बीती रात सूचना मिली कि एक युवक अवैध तमंचे के साथ घूम रहा था, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज मनोज नौटियाल पुलिस फोर्स के साथ तत्काल बताई गई जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक संदिग्ध युवक घूमता दिखाई दिया, जिसे पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस को अपनी ओर आता देख युवक भागने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। असले का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है। कल दिनांक 13/6/2022 को चौकी सुल्तानपुर प्रभारी मनोज नौटियाल को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है अवैध असले के साथ घूम रहा है। उन्होंने दबिश देकर उसको पकड़ा है। 12 बोर का तमंचा और 2 जिंदा का उसको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम शोएब पुत्र अब्दुल वहीद है, जो सुल्तानपुर का रहने वाला है। ललितपुर अधीक्षक निखिल पाठक के कुशल निर्देशन में अपराध नियंत्रण ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर थाना महरौनी पुलिस द्वारा सोजना रोड थाना महरौनी से 4 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। ये 4 अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल चोरी कर उनको आगे औने पौने दामों में बेचा करते थे। उनके कब्जे से पाली नीलू उर्फ नीरज सिंह के बाड़ा में छिपा कर रखते थे। महरौनी पुलिस ने सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पे थाना महरौनी पुलिस द्वारा सोजना रोड से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ करने पर ये ज्ञात हुआ कि वो लोग एक संगठित रूप से बाइक चोरी का कार्य करते हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके पास से पुलिस के द्वारा पूछताछ के आधार पर कुल 11 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने बरामद की हैं। इनमें से 5 मोटरसाइकिलें जनपद के विभिन्न थानों से तस्दीक हो गई हैं, वहाँ पर लिखे मुकदमों से उनको हम लोग लिंक कर पाए हैं। इसके अलावा अन्य बची हुई मोटरसाइकिलों पर भी हम लोग लगे हुए हैं। DCRB, SCRB को हम लोगों ने इसमें पत्राचार उनसे किया है और वो मोटरसाइकिलों की जैसे हम लोग को जानकारी मिल जाएगी कि उनके ऊपर किस थाने में भी पंजीकृत है, उसमें हम लोग कार्रवाई करवाएंगे।
ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक जलने लगी। जब तक लोग इस पूरे मामले को समझ पाते तब तक कार गंगा में बह गई। कुछ दूरी पर कार को गंगा में बहते हुए देख स्थानीय युवकों ने हादसे की आशंका को देखते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा में छलांग लगा दी। सूचना मिलने के बाद त्रिवेणी घाट चौकी से जल पुलिस और फ्लड कंपनी के जवान मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद कार को क्रेन से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। संभल में न्यायालय और पीएससी प्लाटून को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने आनन फानन में तीन धमकीबाजों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी आंखों से अंधा है और शराब पीकर खतरनाक धमकी का आदि है। मुख्य आरोपी चंदौसी स्थित न्यायालय पीएससी प्लाटून को बम से उड़ाने की धमकी देता हुआ पकड़ा गया। विश्व रक्तदान दिवस पर डीएम सहित जिले के आला अफसरों ने रक्तदान किया। डीएम मनीष बंसल ने जिले की जनता से रक्तदान करने की अपील की। डीएम बोले कि जाति धर्म से उठकर रक्तदान करें, लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए। संभल में ब्लड बैंक में रक्तदान के दौरान डीएम ने आम जनता से अपील की है। डीएम के अलावा सीएमओ, एआरटीओ, नगरपालिका ईओ, संभल सहित तमाम अधिकारियों ने रक्तदान किया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि साल में आकर दो बार तो मैं ब्लड डोनेट करता ही हूँ। तो आज इस अवसर पर पूरी टीम थी तो मुझे अच्छा लगा आके। मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में जो गोल्डन आवर होता है उसमें जो मैक्सिमम डेथ के कारण है कि ब्लड निकल जाने और समय पर ब्लड ना मिलने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। मैं लोगों को कहूँगा कि ब्लड डोनेशन एक हेल्दी प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार की ना तो कोई वीकनेस होती है और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। ये सच्ची मैं कहता हूँ कि मानवीय सेवा है, अगर आप कर सकें तो इससे आए हों। इसमें पूरी टीम आज संभल के लिए है, बहुत देख के अच्छा लग रहा है और मैं आऊँगा और लोग इसमें डोनेशन में आए। सर, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आज आपने ब्लड दिया है, क्या संदेश देंगे जनपद के लोगों को? सर, भी आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पे मैंने भी आज अपना रक्तदान दिया। रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान है जिससे किसी का जीवन बच सकता है। मेरी सभी से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और आकर अपना रक्तदान दें। इससे किसी भी प्रकार का कोई कमजोरी या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और बहुत ही जल्दी शरीर में वापस रक्त बन जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, खून सबको एक ही चाहिए ज़रूरत के समय में। तो ये एक अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हम अपने जनपद में एक एकता का संदेश दें रक्तदान देकर, और यही मेरी सबसे अपील है। सोनभद्र में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। अनपरा थाना क्षेत्र के खजूरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाइयों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देर शाम सोनभद्र में तेज बादल गरज रहे थे और इसके साथ ही बारिश हो रही थी, जिसमें दो सगे भाई सतीश कुमार और अमित कुमार अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे और उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में चिकित्सालय लेके गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने दोनों को देखते ही मृत घोषित कर दिया। चमोली जिले की विकासखंड त्राली के पटवारी क्षेत्र कुलसारी में ग्राम पंचायत जबरकोट, पास्तोली और ताजपुर के गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र के पास लग रहा स्टोन क्रशर का ग्रामीण बहुत लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टोन क्रशर लगाए जाने की प्रतिक्रिया लगातार जारी है। थाना सदर के शमशाबाद रोड स्थित लोहा व्यवसायी रामा ट्रेडर्स पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमार कार्यवाही के दौरान जीएसटी विभाग और लोहा कारोबारी के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। जायको जीएसटी विभाग के अधिकारी ने लोहा कारोबारी पर मारपीट और स्टॉक छुपाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर लोहा एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जीएसटी विभाग पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस लोहा कारोबारी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर थाना सदर ले गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।
न्यूज़वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को।